Hi friends, welcome to DM classes. Today we will continue with practice set 4.2. Question number 5. Draw a circle with radius 3.4 cm. Draw a chord MN of length 5.7 cm in it. Construct tangents 8 points M and N to the circle. Solution. Draw a circle with radius 3.4 cm. Draw a chord MN of length 5.7 cm. तो यहाँ पे सबसे पहले हमें 3.4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना होगा, उसमें 5.7 सेंटीमीटर की कॉर्ड ड्रॉ करनी है, फिर वहां पर जो दो एम पॉइंट आएंगे, एम और एन दो पॉइंट आएंगे, दोनों ही पॉइंट पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो हम सबसे पहले हमारा रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यह हो जाएगी हमारी कॉर्ड एम एन एंड सेंटर पॉइंट ओ। अब यहां पर हमें एम और एन से दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। रेडियस हमारे पास 3.4 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी। रफ फिगर अब यहाँ पर देखिए, ओ एम एंड ओ एन परपेंडिकुलर है एल और एम के ऊपर। ये लाइन है एम और ये लाइन है हमारी एल। ओ एन इज द परपेंडिकुलर ऑफ एल एंड ओ एम इज द परपेंडिकुलर ऑफ एम। सेगमेंट ओ एन ओ एन इज द परपेंडिकुलर ऑफ लाइन एल एंड सेगमेंट ओ एम इज द परपेंडिकुलर ऑफ लाइन एम बाय टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। द परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ओ एन एंड सेगमेंट ओ एम ओ एन एंड ओ एम 8 point M and N will give the required eight N एंड एम। मतलब यहां पर ओ एन इज अ परपेंडिकुलर ऑफ लाइन एल एंड ओ एम इज अ परपेंडिकुलर ऑफ लाइन एम है। तो ओ एम क्या एम पॉइंट के ऊपर बना हुआ है और एन पॉइंट के ऊपर बना हुआ है। अब हम हमारा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 3.4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो हम सबसे पहले 3.4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लेते हैं। 3.4 सेंटीमीटर
अब हमें यहाँ पर एक कोर ड्रॉ करनी है जो कि 5.7 सेंटीमीटर की है। तो इसके लिए सबसे पहले हम 5.7 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लेते हैं। 5.7 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेकर हमें यहाँ पर सर्कल पर किसी भी एक पॉइंट पर राउंडर को रखना है और एक आर्क कट करना है। और जिस पॉइंट पर हमने राउंडर को रखा था उस पॉइंट से ये कट वाले पॉइंट को आपस में जॉइन कर देना है। तो ये हमें कॉर्ड मिल गई है 5.7 सेंटीमीटर की। एम एंड एन हमारा जो सेंटर पॉइंट है वो ओ, तो ओ एन एंड ओ एम को हम आपस में जॉइन कर देते हैं। जॉइंट सेगमेंट ओ एम एंड ओ एन, ओ एम इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर, सेम एज ओ एन इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर एम और एन पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर ये जो रेडियस हमने ड्रॉ किया है, रेडियस को थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाना होगा। हमने जो रेडियस ड्रॉ किया है इस रेडियस को हमें थोड़ा हमने जो रेडियस ड्रॉ किया है इस रेडियस को हमें थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाना होगा। अब हमें यहाँ पर एम और एन दोनों ही पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होगा, एम पॉइंट पर पहले राउंडर को रखा, एम पॉइंट पर राउंडर को रखा, किसी एक मेजरमेंट से दोनों साइड हमने आर्क कट कर लिए हैं। सेम ऐसे एन पॉइंट पर रखकर भी हम करेंगे। एन पॉइंट पर रखकर सेम मेजरमेंट से हमने दोनों साइड आर्क कट कर लिए। अब हमें ये जो दोनों आर्क कट पॉइंट मिले हैं इन दोनों ही आर्क कट पॉइंट से एक बार ऊपर की तरफ और एक बार नीचे की तरफ हमें आर्क कट करने होंगे। तो एक बार इस पॉइंट पर रखकर ऊपर नीचे दोनों साइड हम आर्क कट कर लेते हैं। उसके बाद हमें इस पॉइंट पर रखकर ऊपर और नीचे दोनों तरफ आर्क कट करने होंगे। सेम ऐसे हम यहाँ पर भी करना होगा। यहाँ पर हमें दो कट पॉइंट मिले हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों ही कट पॉइंट पर रखकर हमें आर्क बनाने होंगे ऊपर नीचे। अब हमें यहां पर देखिए ये दो आर्क कट पॉइंट मिले हैं, इन दोनों ही आर्क कट पॉइंट का आपस में जॉइंट कर देंगे जिससे हमें टेंजेंट मिल जाएंगे। सेम एज इसी तरीके से हम यहाँ पर भी इन दोनों आर्क कट पॉइंट को आपस में जॉइंट कर देंगे। एम एंड एल हमें यही ड्रॉ करना था। ओ एम इज अ परपेंडिकुलर ऑफ लाइन एम एंड ओ एन इज अ परपेंडिकुलर ऑफ लाइन एल। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर पी एंड रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। टेक पॉइंट क्यू एट अ डिस्टेंस 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट क्यू। सॉल्यूशन, ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर पी एंड रेडियस 3.4 सेंटीमीटर, टेक पॉइंट क्यू एट पॉइंट एट अ डिस्टेंस 5.5 सेंटीमीटर।
मतलब यहाँ पर हमें 3.4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है। फिर वहाँ पर सेंटर पी से, पी पॉइंट से 5.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट क्यू लेना है। तो इस क्यू पॉइंट से हमें टेंजेंट ड्रॉ करने होंगे। तो हम सबसे पहले रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्यू पॉइंट है, पी सेंटर पॉइंट है, पी से क्यू का डिस्टेंस कितना हमें बोला है 5.5 सेंटीमीटर। अब इस क्यू से हमें दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। इसे हमने नाम दिया एम और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो रही है। रेडियस का मेजरमेंट कितना है 3.4 सेंटीमीटर। ओ पी इज रेडियस। यहाँ हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं। बन गया हमारा रफ फिगर। रफ फिगर इट्स नॉन इन द फिगर, इन द फिगर लेट क्यू क्यू बी अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर, द एक्सटीरियर ऑफ सर्कल एट अ डिस्टेंस ऑफ 5.5 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ हमें सेंटर पॉइंट से एक क्यू पॉइंट लेना है जिसका भी इसका डिस्टेंस कितना है 5.5 सेंटीमीटर का। लेट क्यू आर एंड क्यू एस, क्यू आर एंड क्यू एस बी द टेंजेंट्स, क्यू आर एंड क्यू एस सर्कल के टेंजेंट होंगे टू द सर्कल एट पॉइंट्स आर एंड एस रिस्पेक्टिवली। अब देखिए यहां पर सेगमेंट पी आर, सेगमेंट पी आर इज द परपेंडिकुलर ऑफ आर क्यू, द परपेंडिकुलर ऑफ टेंजेंट क्यू आर। अब यहाँ पर देखिए पी आर परपेंडिकुलर है क्यू आर के ऊपर, मतलब यहाँ एंगल आर के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। देयरफॉर एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 90 डिग्री बाय टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। पॉइंट आर इज ऑन द सर्कल हैविंग पी क्यू एस डायमीटर, पी क्यू इज डायमीटर because angle described in a semicircle, in a semicircle is a right angle। मतलब यहाँ पे जो सेमी सर्कल बन रहा है ये एक राइट एंगल है। सिमिलरली पॉइंट एस ऑल्सो लाइज
on the circle having PQ as diameter. PQ is diameter. Points R and S lies on the circle with PQ as diameter. Therefore, ray QR and QS, ray QR and QS are the required tangents to the circle from point Q. अब हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने रफ फिगर में यहाँ क्या किया था, एक सर्कल ड्रॉ किया था जो कि 3.4 सेंटीमीटर का है। तो हम सबसे पहले 3.4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेकर एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर एक रेडियस मिल जाएगी। द सेंटर पॉइंट है ये पी एंड ओ। ओ पी इज अ रेडियस एंड ओ पी इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर रेडियस को थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चन में, टेक पॉइंट क्यू एट अ डिस्टेंस 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। मतलब यहाँ सेंटर पॉइंट जो पी है, पी से क्यू का डिस्टेंस होना चाहिए 5.5 सेंटीमीटर। तो हम 5.5 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट क्यू ले लेते हैं, क्यू 5.5 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पी क्यू के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना होगा, तभी हम टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, राउंडर को क्यू पॉइंट पर रखकर मोर देन हाफ मेजरमेंट लेना है। मोर देन हाफ मेजरमेंट लेकर एक आर्क इस साइड कट किया, उसी मेजरमेंट से राउंडर को पी पॉइंट पर रखकर एक आर्क इस साइड कट करेंगे। फिर जो तो हमें आर्क कट पॉइंट मिले हैं, इन दोनों ही कट पॉइंट से एक आर्क ऊपर की तरफ कट करेंगे और एक आर्क नीचे की तरफ कट करेंगे। इसी तरीके से हम सेकेंड वाले आर्क कट पॉइंट पर रख कर ऊपर नीचे आर्क कट कर लेंगे। इसके बाद ये जो हमें लाइन मिली है, जो दो पॉइंट मिले हैं, इन दोनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं, जिससे हमें एक परपेंडिकुलर लाइन मिल जाएगी। लाइन एम पी क्यू को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करी उसे हमने नाम दिया आर। अब हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें एक कट पॉइंट मिला है R, तो हमें क्या करना होगा, राउंडर को R पॉइंट पर रखना है और R से P तक का डिस्टेंस मेजर करते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि जो एक्चुअल सर्कल हमारा फुल सर्कल है उसको दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, जो कि है R एंड S। अब हमें Q से S को एंड Q से R को ज्वाइन करना होगा, जिससे हमें टेंजेंट मिल जाएंगे। हमने Q S को ज्वाइन कर दिया, इसी तरीके से यहाँ पर हम Q और R को ज्वाइन कर देंगे। हमें यही कंस्ट्रक्ट करना था। यहाँ पर देखिए, क्यू आर एंड क्यू एस दो टेंजेंट है सर्कल के। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस
4.1 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू द सर्कल, टू द सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट एट अ डिस्टेंस, एट अ डिस्टेंस 7.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। अब हम सबसे पहले रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जो कि 4.1 सेंटीमीटर का हो, और यहाँ पर एक पॉइंट लेना है 7.3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, जो कि सेंटर से 7.3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हो। तो उस पॉइंट से हमें टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। तो हमें रफ फिगर के लिए किसी भी मेजरमेंट को लेने की जरूरत नहीं है, हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। हमने यहाँ पर ये जो दो लाइन लिए हैं ये इनका नाम है पी एंड क्यू। पी एक सेंटर है और पी क्यू के बीच का डिस्टेंस है 7.3 सेंटीमीटर। ये जो लाइन है पी क्यू को एम पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब हमें यहाँ पर क्यू से दो टेंजेंट ड्रॉ करने होंगे। ये हमारा रफ फिगर। एज शोन इन द फिगर, एज शोन इन द फिगर लेट क्यू बी अ पॉइंट, बी अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर, इन द एक्सटीरियर ऑफ सर्कल एट अ डिस्टेंस। ऑफ 7.3 सेंटीमीटर। देयरफॉर लेट क्यू आर एंड क्यू एस, क्यू आर एंड क्यू एस बी द टेंजेंट्स, be the tangents to the circle eight points R and S respectively. Therefore, segment PR is the perpendicular of QR, is the perpendicular of tangents, tangent QR by tangent is perpendicular, is perpendicular to radius. Therefore, angle PRQ equal to 90 degree. Therefore, point R is on the circle having PQS diameter. Similarly, point S, जैसे यहाँ पर point R सर्कल के ऊपर है, क्यू पी क्यू डायमीटर सेम, ऐसे यहाँ पर पॉइंट एस के लिए भी हम लिख सकते हैं कि पॉइंट एस ऑल्सो लाइज ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल हैविंग
PQS diameter. तो यहाँ पर पॉइंट आर तो सर्कल के ऊपर है, सेम ऐसे ही पॉइंट एस भी सर्कल के ऊपर है, तो हम लिख सकते हैं देयर फोर पॉइंट आर एंड एस लाइज ऑन द सर्कल विथ पी क्यू एस डायमीटर. देयर फोर रे QR and QS are the required tangents to the circle from point Q. तो यहाँ पर ये जो क्यू आर एंड क्यू एस टेंजेंट्स हैं ये क्यू पॉइंट से किए हुए हैं. तो अब हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है, तो कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 4.1 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है. तब हमें यहाँ पर 4.1 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेकर एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं. 4.1 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लिया है, अब हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं. हमें यहाँ पर सेंटर से जो एक पॉइंट है उसके पॉइंट का डिस्टेंस हमें गिवन है 7.3 सेंटीमीटर. मतलब यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट है पी, पी से क्यू का डिस्टेंस होगा 7.3 सेंटीमीटर. ये हो जाएगा क्यू. तो P से Q का डिस्टेंस है 7.3 सेंटीमीटर. और साथ में यहाँ पर O P तक का जो डिस्टेंस है वो है 4.1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये तो रेडियस है और रेडियस हमें गिवन था 4.1 सेंटीमीटर. अब हमें यहाँ पर Q पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे. तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए हम राउंडर को Q पॉइंट पर रख कर मोर देन हाफ मेजरमेंट लेते हैं. मोर देन हाफ मेजरमेंट लिया, सेम उसी मेजरमेंट से राउंडर को पी पॉइंट पर रखकर एक आर्क इस साइड कट कर देंगे. दोनों साइड हमें आर्क मिल चुके हैं. अब इन दोनों ही आर्क पर रखकर, सबसे पहले इस आर्क पर रखकर ऊपर नीचे दोनों तरफ हमने आर्क कट किए, फिर सेकेंड वाले आर्क पर रखकर इसी तरीके से आर्क कट कर लेंगे ऊपर नीचे. फिर जो तो हमें पॉइंट मिले हैं इन दोनों पॉइंट का हम आपस में ज्वाइंट कर देंगे, जिससे हमें एक परपेंडिकुलर लाइन मिल जाएगी. तो ये जो लाइन है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये लाइन PQ को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है. मान लीजिए वो M है, M पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है. तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा. अब हमें यहाँ पर Q पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट चाहिए सर्कल के ऊपर. तो सर्कल के ऊपर दो पॉइंट लाने के लिए हम क्या करेंगे, जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, इंटरसेक्ट M पॉइंट पर राउंडर को रख कर P तक का मेजरमेंट लेंगे और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे. P तक का मेजरमेंट लेकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे. फिर ये जो सेमी सर्कल है, सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, R एंड S पॉइंट पर. अब हमें यहाँ पर QR एंड QS को ज्वाइन कर देना, जिससे हमें टेंजेंट मिल जाएंगे. सेम इसी तरीके से QS को भी ज्वाइन कर देंगे. रे क्यू आर एंड क्यू एस आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट क्यू. थैंक यू. प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन.